हम आपको बताएंगे ड्राई स्किन की देखभाल घर पर कैसे किया जा सकता है। आज तेजी से आगे बढ़ते वर्तमान युग में पुरुषों और महिलाओं दोनों पर सुंदर दिखने का दबाव बढ़ता जा रहा है। त्वचा को स्वस्थ रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। फेशियल और क्लीनअप्स त्वचा को तरोताजा रखने के सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में सामने आए हैं। फेशियल्स त्वचा की सतह से रोम कुपों की गहराइयों तक में जाकर उसे साफ और स्वच्छ करता है, साथ ही त्वचा को पोषण भी करता है। क्लीनअप से चेहरे की त्वचा की सफाई होती है, मृत त्वचा निकल जाती है और नमी लौट आती है। जो युवा हैं उन्हें एक्ने की समस्या है और त्वचा भी वाइली है, उन्हें क्लीनअप्स करना चाहिए। यद्यपि फेशियल्स किसी ट्रेन प्रोफेशनल्स से कराना चाहिए, फिर भी आप इसे घर पर कर सकते हैं। हो सकता है कि ब्यूटी सैलून में कराए गए फेशियल्स जैसा असर वैसा ना दिखे, लेकिन चेहरे की सफाई तो हो ही जाती है, जैसे क्लीनिजिंग। इससे त्वचा की गहराई से धूल मिट्टी का अंश पूरी तरह निकल जाता है। इसे करने से पहले मेकअप पूरी तरह हटा दें। ठंडा दूध, क्रीम या बेबी ऑयल के प्रयोग से सूखी त्वचा की क्लीनिजिंग की जा सकती है। ब्लीचिंग, जब भी माइल्ड ब्लीचिंग की जाती है तो चेहरे की त्वचा पर मौजूद डेड सेल्स हट जाते हैं, साथ ही चेहरे पर महीन बाल भी ब्लीच हो जाते हैं। याद रखें कि सूखी त्वचा को ब्लीच करने से हालात और खराब हो सकते हैं। एक्सफोलिएट, घर पर बने स्क्रब को हल्का एक्सफोलिएशन होता है, जिसे धूल मिट्टी और मिर्च सेल्स त्वचा से हट जाते हैं, आप इन्हें अजमा सकते हैं। स्टीमिंग, इसे घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि इसे अधिक समय तक और बार बार नहीं करना चाहिए। स्टीमिंग से फायदा यह है कि चेहरे की त्वचा की रक्त नलिकाएं चौड़ी होकर फूल जाती है, इससे रक्तचाप अधिक तेजी से होने लगता है। इससे चेहरे का मैल, तेल और रोम कुपों के अवरोध निकल आते हैं, ब्लैक हेड्स को निकालना आसान हो जाता है। चूंकि चेहरे की त्वचा से मृत त्वचा कर निकल जाते हैं, इसलिए इस पर लगाई गई कोई औषधि क्रीम भी अच्छी तरह असर करती है। अपने चेहरे को 10 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज दीजिए। स्ट्रोक्स लय में होना चाहिए, इससे चेहरे की मांसपेशियां स्थिर हो जाती है और रक्त की आपूर्ति अच्छी होती है। इससे एजिंग प्रोसेस धीमी पड़ जाती है और झुर्रियां कम हो जाती है। चेहरे के मसाज के बाद ये फेस मास्क इस्तेमाल करें। यूं तो बाजार में हर तरह के फेस मास्क मिलते हैं, लेकिन घर पर इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। घर पर जो बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूं। खोपरे का दूध न सिर्फ त्वचा का सूखापन कम करेगा, बल्कि डार्क स्पॉट्स और छाइयां से भी मुकाबला करेगा। दूध की क्रीम या वेजिटेबल कुकिंग ऑयल से चेहरे की सफाई कर सकते हैं। 1/4 खीरा ककड़ी, 2 चम्मच दही और 2 चम्मच पका हुआ ओट मिल मिलाकर सफाई की जा सकती है। अभी घरेलू स्क्रब, उसके बारे में बताता हूं। थोड़े गेहूं का आटा लें अंदाज से, इसमें दूध की मलाई तथा गुलाब जल मिला लें। इसे घोट कर पैक की तरह कर लें। इसे चेहरे पर त्वचा में रगड़ कर लगाए, इससे चेहरे की त्वचा से मृत त्वचा बाहर निकल जाएगी। मूली को घिस लें, चेहरे पर थोड़ी देर फैला कर रखें, यह एक माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है, इससे त्वचा निखर उठती है। घरेलू मॉइस्चराइजर कैसे बनाएं, वो मैं आपको बताता हूं। दूध की मलाई का एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसमें नींबू के रस की चंद बूंदें मिला दें, इससे त्वचा में नमी लौट आएगी। दही चेहरे की त्वचा की देखभाल करने वाला एक प्रमुख रसायन है, यह त्वचा की नमी लौटाता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज त्वचा को चिकनी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। शहद एक लाजवाब स्किन मॉइस्चराइजर, इसे लगाकर थोड़ी देर पर चेहरे को रहने दें, बाद में धोएं, त्वचा निखर उठेगी। गवार पाठे के पल्प चेहरे पर 20 मिनट तक लगाकर रखें, बाद में धो लें। नींबू की चंद बूंदों में ग्लिसरीन मिलाकर लगा लें, यह भी एक अच्छा एक्सफोलिएटिव है। पका हुआ ओटमील, शहद और केले का पल्प मिलाकर चेहरे पर लगाएं, यह सूखी त्वचा के लिए वरदान है। ओटमील एग व्हाइट को घोट कर मिला लें, इसे चेहरे पर 20 मिनट तक लगाकर रखें, बाद में धोएं। 2 चम्मच शहद पके केले का एक हिस्सा को एक बाउल में दही के साथ मिला लें, यह सूखी त्वचा के लिए एक अच्छा फेस मास्क। 2 चम्मच गेहूं का आटा लें, इसमें 1 टेबलस्पून मेयोनीज, 4 चम्मच बेसन, 4 चम्मच शहद को
ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, अब चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। धन्यवाद। हमने आपको बताया कि चेहरे को आप किस तरह बेहतरीन रख सकते हैं। धन्यवाद।